तो भाई ये अल्टीमेट लोकेशन, लुक एट दैट। ओके तो वीडियो करते हैं स्टार्ट अपना। वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन हिमालयन का। ये हिमालयन एक ऑफ रोडर बाइक है, रॉयल एनफील्ड की बाइक है। इसके लिए ऑफ रोडिंग जरूरी थी तो हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं। तो नाम तो आप लोग पढ़ी लगाइए, हिमालयन, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। इसमें 411 सीसी का इंजन मिलता है आपको, ग्राउंड क्लियरेंस इसके सेगमेंट में, क्योंकि ऑफ रोडर बाइक है तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। फ्रंट में आपको जो इंजन गार्ड वगैरह सारे ऑप्शन मिलते हैं। डिस्क की बात करें तो इसमें ABS भी आता है। फ्रंट टायर बात करें तो ये जो ऑफ रोडर टाइप फ्रंट टायर मिलता है, फ्रंट में डुअल आपको मड गार्ड के ऑप्शन मिलते हैं, एक थोड़ा अप माउंटेड एक थोड़ा लो माउंटेड। फिर हम इसकी बात करें हेडलाइट की बात करें तो आपको इसमें नीचे पायलट लैम्प एंड मेन हेडलैम्प मिलता है आपको। इसमें ऊपर आपको थोड़ा विंडशील्ड मिलेगी, इंडिकेटर्स कुछ आपके ऐसे देखने को मिलेंगे, एंड साइड में ये आपका टैंक प्रोटेक्टर और क्रैश गार्ड साथ में कुछ स्टाइलिंग भी बना देता है लुक को। फिर हम बात करें सीटिंग की तो इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलेगा एंड सीट काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग है, गर्म और रखिए फिलहाल। फिर हम बात करें इसके ऑडोमीटर की तो इसमें माइल्स पर आवर एंड आपको किलोमीटर पर आवर दोनों स्पीड्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपकी सारी वार्निंग्स देखने को मिलेंगी। ये आपके हैजार्ड लैंप स्विच है, ओके देख लीजिए हैजार्ड लैंप स्विच है। ये आपके जो ट्रिप वगैरह सेट करने का वो होता है। साइड में आपको टैकोमीटर भी मिलेगा, नीचे आपको जो सेपरेट कंपास होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको फ्यूल गेज। ऑडोमीटर की बात करें तो इसमें आपको फुल्ली आपको डिजिटल ऑडोमीटर मिलता है। इसमें आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, टाइमिंग है, जो गियर कौन से गियर में गाड़ी चल रही है वो, एंड आपकी ट्रिप वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं। फिर हम बात करें पीछे तक एक लुक, ये चीज़ माइंड मत करना क्योंकि ये डेमो कार थी तो इसलिए कुछ इश्यू थे इसमें, इसलिए निकाल दी गई थी। यहाँ पे पीछे की बात करें तो आपको यहाँ पे भी आप ये मड फ्लैप्स मिलेंगे, कुछ आपको साइलेंस ऐसे देखने को मिलेगा। जो ऑफ रोडिंग आपने देखी है, स्पॉक व्हील्स मिलते हैं आपको रियर और फ्रंट में दोनों में। आपका ऑयल लेवल इंडिकेटर साइड को देखने को मिलेगा आपको, रॉयल एनफील्ड की बैचिंग इंजन पे। हॉर्न काफ़ी बढ़िया है भाई, सुना देता हूँ, चलो हॉर्न सुना देता हूँ आपको इसको। ये आपको हॉर्न सुना दिया, एंड अगर आप बोलोगे भाई हॉर्न सुना दिया थोड़ी सी आवाज़ भी सुना दो, चलो आवाज़ भी सुना देते हैं। ये सुना दी भाई इसकी आवाज़। तो चलिए आगे का वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तो सामने कुछ आपको नज़ारे ऐसे देखने को मिलेंगे, इसका रिव्यू करने में यही आया है। सामने जा रही है एक बलून है, स्लो एंड वन गियर डाउन, सॉरी दो गियर डाउन खुले। अगेन हमें एक गियर डाउन खुले, तो जितना पिकअप ले सकते हो आप उतना पिकअप ले सकते हो इस बाइक से। एक भाई पहाड़ों में चलाने के लिए एक चीज बोलूंगा, आप कभी भी ओवर स्पीड ना करें। ओवर स्पीडिंग के चक्कर में कभी टर्न बाई चांस जल्दी से आ जाए, आपको पता ना लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हर टर्न पे एक बार ऑन जीरो मार दें। तो आपको लग रहा है कि आपकी बाइक दब रही है तो एक गेट भी ढांग कर लें। लाइक इज अपन चल रहे हैं पहाड़ों पे, भाई सच्ची में चलाने का मजा इसी बाइक को है पहाड़ों में। फुल ऑफ रोड है,
स्टेरिंग में कोई वाइब्रेशन नहीं है, सॉरी हैंडल में कुछ वाइब्रेशन भी नहीं है, और स्टेरिंग भी इसका यूज है। सस्पेंशन भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, जैसे कि फ्यूल वगैरह सब कुछ बता रहा है, आरपीएम है इसमें, साथ में डिजिटल ऑडोमीटर है, कौन से गियर में चल रही है वो इंडिकेट करता है आपको। तो भाई हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसके इंजन में अपन को 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर फर्स्ट स्ट्रोक इंजन मिलेगा जो कि एयर कूल्ड SOHC है। फ्यूल इंजेक्शन का इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। वही हम अगर पावर की बात करें तो 24.83 PS की पावर 6500 RPM पे ये निकाल देता है, एंड टॉर्क की बात करें तो 32 न्यूटन मीटर का 4200 RPM पे ये निकालता है। ये आगे जो टर्न आ रहा है ये भाई एकदम फुल डाउन टर्न है, ये देखिए वापस आते टाइम बहुत मजा आता है इसमें, अगर सामने से कोई निकल नहीं आ रहा हो तो। अगर हम इसकी जो चेसिस के बारे में बात करें तो इसमें हाफ डुप्लेक्स स्प्लिट क्रैडल फ्रेम चेसिस मिलता है आपको, एंड ये बाइक जिस कैटेगरी की है वो है ट्यूरल बाइक सेगमेंट। अब होने वाला इसका असली मजा स्टार्ट। माइंड ना करो तो मैं भाई वाइजर थोड़ा ओपन ही रख लूं। मेरे को ज्यादा हो गया यार, मैं पिछली बार अपनी स्कूटी लेकर आया था तब इतना ज्यादा नहीं थी। वही हम अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक का सस्पेंशन मिलता है जिसमें 41 mm फ्लॉक्स की लेंथ होती है, एंड जो ट्रेवल होता है उनका 200 mm होता है। रियर की बात करें तो मोनोशॉक विद लिंकेज 180 mm व्हील ट्रेवल आपको प्रोवाइड होता है। भाई ये होती है ऑफरोडिंग, तुम्हारी बाइक को तो मजा आता है, साइड के नज़ारे देखने तो देखो भाई। वही जब अपन ऑफ रोडिंग की बात कर ही रहे हैं तो टायर साइज की भी बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको मिलते हैं 90-90-21 इंचेस के स्पॉक व्हील्स, एंड रियर में मिलते हैं आपको 120-90-17 इंचेस के स्पॉक व्हील्स। जो टायर्स हैं इनकी बात बता दूँ आपको, टायर्स काफ़ी मतलब ऑफ रोडिंग के ही डलते हैं इसमें, ऑब्वियसली बात इसका टायर काफ़ी महंगा भी आता है, फुल ऑफ रोडिंग ग्रिप होती है इन टायरों में। इस पर चढ़ाऊँ नहीं भाई, सामने का नज़ारा देखो भाई, एक लोकेशन आएगी वहाँ रुक के आपको थोड़ा व्यू दिखाऊँगा भाई, अल्टीमेट व्यू एकदम शानदार वाला। तो भाई ऊपर से देखते हैं अपन, ये देखो भाई अल्टीमेट व्यू, बोलो लद्दाख की राइड, लद्दाख की याद आ जाती है मुझे यहाँ पे आने के बाद। विंड काफ़ी तेज है, विंटर माइना जो विंटर माइंस हैं वो काफ़ी चल रहे होंगे ऊपर, बट लुक एट द व्यू मैन अल्टीमेट। चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, That's the tire. Okay. भाई टायर्स की बात करें तो ब्रेकिंग की भी बात कर ही लेते हैं। फ्रंट में आपको मिलती है 300 mm की डिस्क ब्रेक जो कि डुअल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ है, एंड रियर में मिलती है 240 mm की डिस्क सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ डिस्क प्लेट। आपको इसमें ABS और विदाउट ABS दोनों का ऑप्शन भी प्रोवाइड होता है। अगर बात करें ओवरटेकिंग की तो हम उसे ओवरटेक भी कर सकते हैं, अपन फोर्थ गेट तक जा सकते हैं यहाँ पे, तो देखो कितना साइड में बचा बचा के ले जा रहे हैं।
अपना फोर्थ गियर। अगर उस बाइक में फोर्थ गियर लगा दो वो हैंड टू हैंड बंद हो जाएगी। यही चीज दिखाना चाहता था इस हिमालयन में, जो कुछ टच मारता हूँ थोड़ा सा जल्दी टर्न लेता हूँ, अभी इसके टायर अच्छी खासी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो भाई इसकी माइलेज की बात करें तो ARIA सर्टिफाइड माइलेज इसका आता है 29 to 30 किलोमीटर पर लीटर, एंड जो हाईवे माइलेज ये प्रोवाइड करती है वो है 34 to 35 किलोमीटर पर लीटर। इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है। अगर हम इसकी कैपेसिटीज़ की बात करें, जैसे डायमेंशंस की बात करें, सैडल हाइट की बात करें, तो इसमें मिलती है अपन को 2190 mm की लेंथ, 840 mm की विड्थ, 1360 mm की हाइट एंड 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं व्हील बेस की बात करें तो 1465 mm का अपन व्हील बेस प्रोवाइड कर देता है, एंड जो सैडल हाइट है, जो अपन लगे सैडल हाइट है बोलते हैं उसको, वो है 800 mm की। वही भाई बोलते हैं कि यार इतनी सारी ये मशीन है, इतना हैवी इसका इंजन है 411 cc का, तो इसका कर्व वेट कितना होगा, तो इसका कर्व वेट है 191 किलोग्राम्स। वही अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक प्रोवाइड करवाया जाता है। हिमालयन की ओनर है तो चलो एक बात और शेयर कर लेते हैं, जैसे राइडर्स की बात है अपनी, कि टायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है इस गाड़ी में, और किसी भी गाड़ी में अपना टायर प्रेशर बहुत सही रखना पड़ता है। तो वहीं अगर सिर्फ अलोन राइडर राइड कर रहा है तो 28 PSI दोनों आगे और पीछे वाले टायरों में सफिशियंट है। वहीं अगर राइडर्स का पिलियन भी राइड कर रहा है तो फ्रंट टायर में 32 PSI एंड रियर टायर में 34 PSI रिकमेंडेड होती है। तो भाई ये था अपनी हिमालयन का रिव्यू। अब मुझे स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए ऐसे दिख रहा हूँ भाई, हेलमेट के अंदर वो लगा के आए, पूरा पसीना आ रखा है। टाइम अराउंड हो रखा है 11 बजने के अराउंड, तो इतनी धूप में कुछ मेहनत की है हमने। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, देखिए। एंड अगर आप मेरे को उस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम का नेम टैग यहाँ आ जाएगा, उसको फॉलो कर लेना। कर लो यार, इसकी गजब गजब फोटोज खींची है। तो चलो चलते हैं अपन आगे की ओर।